सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का सर्च इंडिया न्यूज में स्वागत करती हूं। आइए डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर नजर। दिल्ली नगर निगम में चले लाखों से महिला पार्षद भी आपस में भिड़ी। दिल्ली नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से बीतने के बाद स्टैंडिंग कमेटी का सदस्यों के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बुधवार की रात से सदन की कार्यवाही 5 बार स्थगित हो चुकी है। जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता है। बुधवार को तो सदन की मर्यादा लांघते हुए पार्षद एक दूसरे पर बोतल फेंकते रहे। हद तो तब हो गई जब आज सुबह तक सदन में कागजी गोले रुक रुक कर चलते रहे। महिला पार्षद भी आपस में भिड़ती रही। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान सदन में आप और भाजपा के पार्षदों ने एक दूसरे पर लात घूंसे तक चलाए और पानी की बोतलें भी फेंक कर मारी। नव निर्वाचित मेयर शैली ओबेरॉय ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों ने उन पर भी हमला किया। आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव हुए बगैर सत्र खत्म नहीं होगा। भले सदन लगातार कई दिनों तक चलता रहे, स्टैंडिंग कमेटी भी आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पहली ही बैठक में कराने का आदेश दिया है। वहीं बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि को आपके पार्षद सदन से निकल गए। वहीं भाजपा के पार्षद बैठकर मेयर का इंतजार करते रहे। मेयर चुने जाने के बाद शैली ओबेरॉय ने 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया और दोबारा लौटने पर स्थायी समिति के 6 सदस्यों की चुनाव कराने की बात कही। हालांकि करीब 2 घंटे बाद शैली ओबेरॉय चेयर पर लौटी और चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान उन्होंने सदस्य को मोबाइल लेकर जाने की अनुमति दी, जिसका भाजपा के पार्षदों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करें। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।